त्रिपुरा कलेक्टर के बाद छत्तीसगढ़ के सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा एक बार सोशल मीडिया पर छा गए हैं। कलेक्टर साहब की आलोचना जमकर सोशल मीडिया पर हो रही है। ट्विटर पर सस्पेंड सूरजपुर डीएम ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही चिंतन 22 नाम का ट्विटर यूजर ने लिखा कि आईएएस रणवीर शर्मा का आखिर उनका खराब ट्रैक रिकॉर्ड मीडिया के सामने आ गया। आगे लिखते हैं कि रिश्वत लेना, किसी का फोन तोड़ना और सड़क के सामने लोगों को थप्पड़ मारना। इस यूजर ने कलेक्टर रणवीर शर्मा के उन दिनों का जिक्र किया है जब कांकेर के भानु प्रतापपुर में एसडीएम रहते रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। साथ ही यूजर्स ने मगरमच्छ का तस्वीर भी डाला है। इस तस्वीर में मगरमच्छ की आंखों से आंसू है। इसका मतलब यह है कि देर रात कलेक्टर की माफ़ी मांगने पर भी जोरदार हमला किया। दरअसल कलेक्टर रणवीर शर्मा एक ग्रुप में माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदगी महसूस की है। वहीं @महेंद्रा नाम के यूजर ने एक पेपर कटिंग डालते हुए लिखा, हीज करप्ट पर्सन ऑल्सो, भ्रष्ट व्यक्ति भी है, इसे सस्पेंड किया जाए। एक यूजर कलेक्टर रणवीर शर्मा को सोशल मीडिया की पावर का एहसास कराते हुए लिखा, मोस्ट डिजास्टिंग पर्सन ऑफ द मंथ, महीने का सबसे घिनौना इंसान। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर चारों तरफ एक ही आवाज़ उठने लगी है कि सूरजपुर कलेक्टर को सस्पेंड किया जाए। हालांकि अपने इस कृत्य पर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने माफ़ी मांग लिया है, लेकिन ट्विटर यूजर कांकेर जिले में एसडीएम रहते रिश्वत लेते पकड़े जाने का जिक्र जमकर कर रहे हैं। यूजर्स सीएम भूपेश बघेल को टैकर सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर सस्पेंड सूरजपुर डीएम ट्रेंड कर रहा है। क्या है पूरा मामला? दरअसल शनिवार को कलेक्टर रणवीर शर्मा लॉकडाउन का जायजा लेने शहर में निकले थे। उस दौरान एक युवक को रोका और पूछे जाने पर युवक बताया कि अपने कोविड पॉजिटिव दादी के इलाज का बिल भरने जा रहा है, जिस पर कलेक्टर को अपने मोबाइल फोन में बिल भी दिखा रहा है। लेकिन कलेक्टर साहब तो मई माह का तपती धूप की तरह पहले से ही तप रहे थे और युवक का सुनने के बजाय उसका फोन पटक दिया, फिर चांटा जड़ दिया। इतने से भी नहीं हुआ तो अपने गार्ड और मौजूद पुलिस कर्मियों को मारने का आदेश भी दे दिया, जिसे कलेक्टर सूरजपुर साफ कह रहे हैं मारो। अंत में इतने से भी कलेक्टर सूरजपुर को ठंडक नहीं मिला तो यह कह रहे हैं कि FIR कर दो। इसके बाद कलेक्टर साहब को क्या पता था कि जिस तैश में आकर कर रहे हैं वह शाम तक हमें घुटने पर टिका देगा। साथ कलेक्टर सूरजपुर यह बात को भूल गए कि आज सोशल मीडिया की ताकत है और उनके कलेक्टर होने से कहीं ज़्यादा पावरफुल सोशल मीडिया है। और देखते ही देखते ट्विटर और फेसबुक पर कलेक्टर सूरजपुर को सस्पेंड करने की मांग तेज हो गई। कलेक्टर की माफ़ी को संवेदनहीनता का परिचय कहें या सोशल मीडिया की ताकत जो कलेक्टर साहब को अपने गलती का एहसास करा दिया, जो देर रात कलेक्टर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शर्मिंदगी जाहिर करते हुए माफ़ी भी मांगी। वहीं इस पूरे मामले पर सूरजपुर भाजपा जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कलेक्टर के इस कृत्य पर कड़ी निंदा की है। देखिए, ये मुझको जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिकतम केस सूरजपुर जिले में निकल रहे हैं कोविड की महामारी के, उसके कारण कलेक्टर और जिला प्रशासन काफ़ी टाइट हुआ है। परंतु मेरा मानना ये है कि इस प्रकार का घटना घटनी नहीं चाहिए और लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कड़ाई करें, कहीं कोई बुराई नहीं है, परंतु सोच समझ के करें। ये न्यायोचित कहीं पर भी नहीं है। इस प्रकार की घटना की भारतीय जनता पार्टी जिला सूरजपुर निंदा